कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, उसके अंतर्गत हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा था और औद्योगिक क्रांति को देखना शुरू किया था। और इस औद्योगिक क्रांति में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कारण हमने पढ़ चुके थे औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इन बातों को हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे ये देखते हैं कि इंग्लैंड में, क्योंकि विश्व की, आधुनिक विश्व की जो औद्योगिक क्रांति हुई वो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। अब ये इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड में होने का क्या कारण था? सबसे पहले कोई भी चीज होती है तो हमेशा वहीं पर क्यों हुई, ऐसा दिमाग में आपको हमेशा आना चाहिए। जब दिमाग में आएगा तो कई सारे रीजन आप हमेशा जान पाओगे, और जो रीजन रहते हैं जब वो दिमाग में आते हैं तो उसके बाद में जब आप दिमाग लगाते हो तो रीजन कभी भूलते नहीं है। तो कोशिश करा करिए, इतिहास पढ़ने का अपना एक सबका नज़रिया रहता है, एक रटने वाला रहता है और एक समझने वाला रहता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, और सोचने के बाद उस परिस्थिति में जाकर जब सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं वर्तमान से तुलना करना सीखोगे। तो तुलना की गई वस्तु, तुलना की गई बातें कभी भी भूले नहीं जाती, वो हमेशा ताउम्र याद रहती है। और इसीलिए आप लोग उसी बात को ध्यान में रखकर हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करना करिए कि भैया इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, कहीं और क्यों नहीं हुई, क्या क्या कारण थे जो इंग्लैंड में थे किसी और जगह पर नहीं थे, भैया बताइए क्यों नहीं हुई। तो इसके विषय में जब आप अदर जगह पर जाओगे कि बाकी जगह पर क्यों नहीं, बाकी जगह पर क्यों नहीं हुई, तो तब आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। कैसे होगी, अब देखते हैं। इंग्लैंड, पहले बात, इंग्लैंड विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक देशों में से एक देश, जहां पर 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई बेटा? गौरवपूर्ण क्रांति। इस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से क्या हुआ, इस पहला कारण में हम देखते हैं। इस गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से जो राजतंत्र था उसकी समाप्ति नहीं हुई, बल्कि उसकी शक्ति में क्षरण हुआ, कमी आई, और जो जनता का प्रतिनिधि करने वाली लोकसभा राज्यसभा थी, मतलब वहां पर जो लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड और रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कहा जाता है, कुल मिला के संसद कहा जाता है, वहां पर भी संसद कहा जाता है। उस संसद की शक्ति में जब बढ़ोतरी हुई तो संसद में बैठने वाले जो व्यक्ति थे वे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, और जनता तभी उन्हें चुनेगी जब वो जनता के लिए काम करेंगे। तो मतलब एक अच्छा माहौल था, एक अच्छा राजनीतिक व्यवस्था थी, गौरवपूर्ण क्रांति के कारण बनी। आया समझ में? वो राजनीतिक माहौल क्यों बना? गौरवपूर्ण क्रांति हुई। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, शेष यूरोप से अलग अवस्थिति, शेष यूरोप से अलग अवस्थिति। यदि आप यूरोप का डायग्राम बनाओगे बेटा तो यूरोप के डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि यूरोप के थोड़ा सा बाहर में आपको इंग्लैंड दिखाई देगा, और यही कहीं ना कहीं उसके औद्योगिक क्रांति का कारण है। क्योंकि कोई भी वस्तु को अगर सृजित करना है तो उसकी पहली डिमांड है उस सृजन का हमेशा निरंतरता, और निरंतरता तब आएगी जब शांति रहेगी, और शांति तब आएगी जब वो किसी भी क्षेत्र में भिड़ेगा नहीं, युद्ध नहीं लड़ेगा। और यूरोप के जो बाकी राज्य थे, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे पुर्तगाल ले लो, चाहे स्पेन ले लो, चाहे जर्मनी का ले लो, या इंग्लैंड वर्तमान इटली, उस समय का आप रोम साम्राज्य ले लो, ये लगातार युद्ध में लगे रहते थे। और लगातार युद्ध में लगे रहने के कारण क्या हुआ, धन जो था वो लगातार युद्ध में लगता था, सृजनता के लिए जो शांति चाहिए थी वो मिली नहीं, और यही कहां मिली, इंग्लैंड में मिली। क्योंकि इंग्लैंड लगातार युद्ध नहीं लड़ा, वो शेष यूरोप से अलग होने के कारण वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की प्रशासनिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति शेष यूरोप से अलग थी, ये शेष यूरोप से अलग अवस्थिति के कारण कहीं ना कहीं। दूसरी बात,
एक और महत्वपूर्ण कारण, बंदरगाह का गहरा एवं खनिज संसाधनों का एक ही जगह मिलना। बंदरगाह गहरे थे और इस बंदरगाह गहरे होने के कारण इस्पात उद्योग को कहीं ना कहीं फायदा मिला। गहरे बंदरगाह आगे बहुत जगह फायदा मिला। इसके कारण बंदर मतलब जो तट की अवस्थिति अगर कटी छटी रहती है तो इसके कारण व्यापार बहुत अधिक बढ़ता है और बड़े बड़े जहाजों को आने में सहूलियत मिलती है। जब बड़े बड़े जहाज आते हैं तो कहीं ना कहीं पूंजी आती है, व्यापार होता है तो पूंजी आती है, पूंजी आती है तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट कहाँ किया गया? इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति में। और दूसरी बात, संसाधनों का एक ही जगह पर मिलना, लोहे के साथ लोह अयस्क के साथ में कोयले का भी मिलना। और मैं आपको बताऊंगा जहां जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई ना, सबसे पहले जहां जहां पर औद्योगिकरण हुआ वहां वहां पर दो संसाधन दोनों निकटतम ही रहे, एक तो कोयला और एक तो लोहा। चाहे आप भारत में ले लो, चाहे आप अमेरिका में ले लो, चाहे आप जापान में ले लो, चाहे आप जर्मनी में ले लो, चाहे आप इटली में ले लो, इन सभी जगह पर होने वाले, वर्तमान का चीन भी ले लो, इन सभी जगह पर वहीं वहीं पर औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ जहां पर लोहा और कोयला पास में था। और ऐसा पहली बार कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। वहां लोहा और कोयला पास में था, साथ में टिल्लू पंप का निर्माण हो चुका था, पानी भी बाहर निकल रहा था। और इसके कारण क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई, लोहा और कोयला मिला, लोह अयस्क का निर्माण हुआ, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। अगली बात, और इसके कारण रोजगार भी मिला। अगली बात अगर हम देखें, वहां पर एक महत्वपूर्ण कारण रहा कृषि का, कृषि का सामुदायिक वितरण। अर्थात मैं ये कहूं, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि बड़े बड़े कृषि फर्मों का निर्माण हुआ। इससे दो फायदे हुए, कृषि के बड़े बड़े फर्म मतलब किसी भी व्यक्ति के पास में अब 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ नहीं, 200 एकड़, 300 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, अब 200 एकड़, 300 एकड़ अगर जमीन रहेगी एक व्यक्ति के पास में तो स्वाभाविक रूप से उसकी आय ज्यादा होगी। अब आय ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से वो किसान है तो वो कोशिश करेगा कि ये आय लगातार बढ़ते रहे, और उस बढ़ी हुई आय का उसने उपयोग किया उद्योगों में निवेश के रूप में। तो उद्योगों में निवेश हुआ, उद्योगों को पूंजी मिली, उद्योगीकरण को बल मिला। दूसरा, इस कृषि का लगातार केंद्रीकरण मतलब समुदायीकरण, एक ही व्यक्ति के पास में ज्यादा होना, जिसके कारण बाकी लोग जो कृषि कार्य में लगे हुए थे वे कहीं ना कहीं कृषि कार्य से भिन्न हो, अब वो क्या करेंगे? तो वो लोग उद्योगों की तरफ बढ़ने लगे। तो मतलब कम मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक भी मिले, इसके कारण भी क्या मिला? औद्योगिकरण को फायदा, औद्योगिकरण को बल मिला। ये कंडीशन कहां पर थी? इंग्लैंड में। अगला, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो रही थी, उत्पादन पुरानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं हो रहा था तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अग्रसर होना पड़ा। तो क्या हुए? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। अगला कारण यदि मैं देखूं तो अगला कारण था उपनिवेश की स्थिति। उपनिवेश थे, जितने उपनिवेश थे वहां से लगातार पूंजी आ रही थी, उद्योगों की स्थापना करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती, और इन उपनिवेशों से लगातार जब पूंजी आ रही थी तो इन पूंजी का उपयोग अपने जीवन को विलासितापूर्ण बिताने के लिए नहीं किया गया उपयोग इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, इस पूंजी का उपयोग और अधिक पूंजी बढ़ाने में किया गया। जब और अधिक पूंजी को बढ़ाने में किया गया तो करा कहाँ उन्होंने? उद्योगों में। तो कहीं ना कहीं पूंजी किसे प्राप्त होती रही? इंग्लैंड को प्राप्त होती रही। दूसरी बात, उद्योगों से मिलने वाला कच्चा माल, सॉरी, उपनिवेशों से मिलने वाला कच्चा माल लगातार आप मिलते रहा, तो
तो कहीं ना कहीं कम कीमत पर मिलता रहा, और जब कम कीमत पर मिला तो बनने वाली वस्तु की कीमत कच्चे माल से भी कभी कभार कम हो जाती, और ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का क्या बना, इंग्लैंड में कारण बना। और एक अगला कारण जो लास्ट कारण, समाज की उन्नत स्थिति, उन्नत स्थिति। जैसे अभी हमारा समाज थोड़ा सा सुधर रहा है, भारतीय समाज थोड़ा सा नई नई चीजों को एडॉप्ट कर रहा है, पर अगर हम थोड़े से 20-25 साल पहले अगर जाए, तो 20-25 साल पहले अगर जाए तो लोग अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते थे, जो जीवन में चल रहा था उसी चीज को लेकर वो पूरा जीवन गुजारना चाहते थे। समाज नवीनता के प्रति हमेशा आकांक्ष आशा की नजरों से नहीं देखता था, आकंत जैसे आतंकित रहता था व्यक्ति, उस नजरों से वो देखता था। पर इंग्लैंड में ऐसा था नहीं, इंग्लैंड में पहले से ही शिक्षा पर बल दिया गया, और जब शिक्षा पर बल दिया गया तो कहीं ना कहीं नवीनता लगातार आती चली गई। वहां पर उस प्रकार का धर्म का प्रभाव नहीं था जिस प्रकार का शेष यूरोप पर था, तो इसके कारण लगातार शिक्षा लोगों को मिलती चली, और जब शिक्षा मिलती चली गई तो वो कहीं ना कहीं नवीनता के प्रति हमेशा आकर्षित थे, आतंकित नहीं थे। और जब हाथ से बनने वाले वस्तु की जगह पर मशीनों से बनने वाली वस्तु जब उनके सामने रखी गई तो कहीं ना कहीं जनता आतंकित नहीं हुई बल्कि आकर्षित हुई। इसमें जनता ने भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कभी कभार अधिनियमों के माध्यम से सरकार ने भी भूमिका निभाई। और यही कारण रहा कि इन 7-8 कारणों की वजह से हमें इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति दिखाई देती। अब यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, तो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति तो भैया इसका फायदा भी हुआ, इसका प्रभाव भी पड़ा। इसका प्रभाव हम दो रूपों में देखेंगे, एक तो विश्व पर क्या पड़ा, विश्व पर, और एक भारत पर, क्योंकि हम भारत को लेकर पढ़ना ही है, क्योंकि भारत से ही यूपीएससी दोनों इंटरलिंक करके पूछे। तो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो लोगों का जीवन बदल गया, लोगों का जीवन पद्धति बदल गई, उपभोक्तावादी जीवन पद्धति कहीं ना कहीं आ गई। लोगों अब शहर की और ज्यादा आकर्षित होने लगे, पूंजीवाद का कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला, क्योंकि इस समय में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, उनके द्वारा मुक्त व्यापार की जब नीति पर बल दिया गया तो उसके कारण क्या हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। और पूंजीवाद को जब बढ़ावा मिला तो पूंजीवाद के बढ़ाव में कहानी भूलता है, जब पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद के कारण क्या होता है, योग्यता पर बल दिया जाता है, और जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ज्यादा लाभ मिलता है। तो जो ज्यादा जब मेहनत करता था, कौन मेहनत करता था, निवेशक, मेहनत किस हिसाब से, रिस्क के हिसाब की मेहनत कर रहा हूं, और उस रिस्क के हिसाब से सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलता था, पूंजीपतियों को, और जो मजदूर रहता था उसे कम मिलता था। तो पूंजीपति या कैपिटलिज्म की विचारधारा यहाँ पर दिखाई देने लगी, और कैपिटलिज्म की विचारधारा के विपरीत विरोध में सोशलिज्म की विचारधारा आई जिसका नेतृत्व कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। तो आर्थिक रूप में यह प्रभाव दिखा, सामाजिक रूप में क्या दिखाई दिया, सामाजिक रूप में आपको दिखाई देगा कि भैया अब जो पारिवारिक जीवन है उस पारिवारिक जीवन में अब बड़ा परिवार की जगह छोटा परिवार आने लगा, लोग गांव से शहर की ओर आने लगे तो कहीं ना कहीं शहरीकरण पर बल मिलने लगा, गांव धीरे धीरे खाली होने लगे, विश्व में हो रहा है। इसके कारण क्या हुआ, जो विकास का पहिया था वो अब धीरे धीरे शहर बनने लगे जो पहले गांव थे, ठीक है। और साथ में हमें ये दिखाई देने लगा कि जो लोग गांव से शहर गए थे निम्न सुविधा के कारण उनका जीवन स्तर कम होते चले, वो नालियों के ऊपर घर बनाकर वो स्लम में रहने लगे, और बड़े बड़े स्लमों का निर्माण होने लगा, अर्थात झोपड़ियों पट्टियों का निर्माण होने लगा, जीवन की गुणवत्ता में कमी आई, लगातार शोरगुल वाले क्षेत्र में कार्य किए जाने के कारण वो तनावग्रस्त होने लगे, जब तनावग्रस्त होने लगे तो मदिरा पान जैसी बातों की ओर
ज्यादा तेजी से आकर्षित होने लगे, हमें दिखाई दी। राजनीतिक अगर क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है पूंजीपतियों का वर्चस्व राजनीति के क्षेत्र में बढ़ता चला गया। मैं केवल नकारात्मक बता रहा हूँ, पॉजिटिव तो सब बच्चे लोग को पता रहता है कि भाई इसके कारण ये हुआ, लोग की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। पर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि नकारात्मकता भी कही रही जो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के रूप में आज दिखाई दे रही है भैया। और उस समय में जो विचारधारा चल रही थी पर्यावरण के प्रति, तो ये विचारधारा चल रही थी कि भैया पर्यावरण मनुष्य के द्वारा नहीं चलाया जाता, मनुष्य पर्यावरण के द्वारा मनुष्य नहीं चलता बल्कि मनुष्य पर्यावरण को चलाता है। टोटल उपभोक्तावादी विचारधारा जिसका आज भुगतमान हम भुगत रहे। तो मैं आपको वो नेगेटिविटी बता रहा हूं कि इसके कारण क्या क्या हो। लगातार वर्चस्व बढ़ता चले गया राजनीति के तंत्र में अगर बात करें तो हमें दिखाई देने लगा, और इसके कारण भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारत को और द्रुत गति से इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेश की जंजीरों को और जकड़ने की कोशिश की, नए नए राज्यों को और बढ़ाने की कोशिश की, जो कृषि का क्षेत्र था उसका वाणिज्यीकरण करने की कोशिश की, किसानों पर लगातार अधिक से अधिक मात्रा में कर लगाने की कोशिश की, किसानों को धीरे धीरे लूटने की कोशिश की। भारत का पैसा किसानों के द्वारा दिए गए कर के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचता था, और जिसके कारण भारत का धन भारत में ना खर्च होकर इंग्लैंड में खर्च होता था, जिसके कारण पूंजी का बहिर्गमन होने लगा, भारत गरीब होने लगा। किसान से लेकर जितने पुराने उद्योग थे उनका पतन होने लगा, उसकी जगह पर नए उद्योग नहीं आए। ये सब चीज हमें भारत में नेगेटिव रूप में दिखाई दिया इस औद्योगिक क्रांति के कारण जो इंग्लैंड में हुई। तो भैया ये थी औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति अगर आपको समझ में आई तो इसके बाद में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण जर्मनी का एकीकरण दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी समझ में आएगी। कुछ बैकग्राउंड में बनाऊंगा, वो बैकग्राउंड को अगर आप समझोगे तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये नहीं समझ में आए, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो पढ़े वो 1914 से लेकर 1918 तक के चला। ना ना ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्नेडे की सर्बिया में हत्या की जाना, वो तात्कालिक कारण था। इसलिए क्वेश्चन लिखा जाता है और बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले तो घोड़े कूदे घुड़सवार, उसके बाद में पहले तो घोड़े कूदे घुड़सवार उसके बाद में, मैं तब उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, औद्योगिक क्रांति को समझ के रखिएगा, साथ में दो दो प्रश्न भी लिखिए। औद्योगिक क्रांति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे? दूसरा, तीसरा एक और प्रश्न लिखिए। इंग्लैंड की तुलना में फ्रांस ज्यादा समृद्ध राष्ट्र था, उसके बावजूद इंग्लैंड में हमें औद्योगिक क्रांति दिखाई देती है, फ्रांस में नहीं। उस समय के तात्कालिक कारणों का आप वर्णन कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको शेयर करा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करा करिए, ताकि वो वीडियो को पढ़ के कमेंट बॉक्स में लिख कर वो हमारा मनोबल लगातार बढ़े। साथ में ये भी बताया करिए कि भैया आपको वीडियो कैसे लग रहे। आप टेस्ट की तैयारी लगातार करते रहिए क्योंकि अगले संडे में, ये जो संडे आने वाला है उस समय में आपका टेस्ट है। साथ में अब वर्षा ऋतु आने ही वाली है, तो भैया वर्षा ऋतु के साथ में हमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, तो पेड़ पौधे लगाने के प्रति भी थोड़ा आपको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम नवीन पीढ़ी के प्राणी हैं जो सतत विकास की विचारधारा पर कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इसलिए हमें हर घर में एक पेड़ इस वर्ष लगाना ही चाहिए। तो आप भी लगाइए, मैं भी लगाता हूँ, पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। धन्यवाद।